तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपको 50 प्लेटिना जब ये अभी लॉन्च हुआ 2018 मॉडल, तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। 2018 मॉडल क्या, वो मतलब पहले से ही ये सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। मतलब प्रॉब्लम्स कोई माइनर है, मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो एक तो ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है। ब्रेकिंग प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो स्प्लेंडर में है वही सेम प्रॉब्लम है जो कि जो ये हल्की बाइक्स होती इनमें होती है। क्या प्रॉब्लम्स, जैसे कि अभी हम स्पीड में चला रहे हैं बाइक 50 से 60 की स्पीड में, और आगे से एकदम से कुछ आ जाता तो हम ब्रेक मारते हैं बैक वाले, तो उसमें क्या होता है, बाइक रिपटती है, वो स्लिप करती है, रुकती नहीं है, वो स्लिप करती है। तो वही प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि वेट कम है ना इसलिए। तो दूसरी जो प्रॉब्लम आई तो वो है कार्बोरेटर, जो मतलब जहाँ से हम फ्यूल को ऑन और ऑफ करते हैं तो वहाँ पर लीक होने लग जाता है ऑयल। शायद ये आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है, ऑयल लीक करता है। और जो तीसरी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है फ्रंट में ब्रेक्स। जो फ्रंट के ब्रेक्स है वो मतलब इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है उनकी। तो यही दिक्कत है उसमें, क्योंकि इतने जैसे ही हम मारते फिसलने का डर ज़्यादा रहता है यार फ्रंट में भी। बैक में तो यही फिसलने का डर, लेकिन फ्रंट में भी फिसलने का डर है ज़्यादातर, जब जब स्पीड ज़्यादा हो मतलब रेत वगैरह में। तो यही दिक्कत आती है इसमें। और जो इसकी फोर्थ डिसएडवांटेज है वो है वाटर में प्रॉब्लम। जब हम पानी में, जब बारिश वगैरह हो जाती तो पानी होता है रोड पे, तो वहाँ पे यदि चलाते हैं तो इसमें फिसलने के डर बहुत ज़्यादा होते हैं। बाइक में फिसलने की बहुत ज़्यादा डर होते हैं, क्योंकि बाइक हल्की है और जो लेंथ है बाइक की वो भी थोड़ी ज़्यादा है, और जो टायर्स है वो भी थोड़े ज़्यादा स्लिम टायर्स है उसके, तो उसकी वजह से बाइक को फिसलने का डर होता है। कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता मतलब बरसात में। तो और जो इसकी लास्ट डिसएडवांटेज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसकी वाइब्रेशन। जैसे वो तो हर बाइक में होती है टॉप स्पीड में, चाहे वो आप 100 सीसी ले लो या फिर 150 या 200, मतलब होती है बाइक में ज़्यादातर, कोई एक आधी बाइक है जिनमें नहीं होती होंगी। तो वाइब्रेशन होती है टॉप स्पीड में, हाईवे पे यदि आप फुल स्पीड में चला रहे हैं तो वाइब्रेशन होती है। जैसे आप हाईवे पे चलाते हैं तो आपको शायद फील होता होगा कि मतलब पावर थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी बाइक में। तो बस यही प्रॉब्लम्स हैं बाइक में, ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। यदि इनको यदि ध्यान रखे आप बाइक को नहीं खरीदोगे तो ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये तो मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो कि हर बाइक में होती है सिमिलर, तो यही बताई थी मैंने आपको। वैसे बाइक हर मामले में वैसे अच्छी है, माइलेज में मतलब किंग है बाइक बिल्कुल। तो ये माइलेज के हिसाब से दिया तो गाइज ओवरऑल बाइक बहुत ही अच्छी है। एक दो प्रॉब्लम्स तो हर बाइक में होती, कोई भी ऐसी बाइक नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाइक काफ़ी अच्छी बाइक है परफॉर्मेंस वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था, और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहते हैं, कोई भी फेक वीडियोज़ नहीं बनाते हम, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।